दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े प्लान की जिसका एरिया बहुत ही ज़्यादा है, जिसका साइज़ 47x62 है। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमारे पेड सर्विस का इस्तेमाल किया। इनका 2D ऑलरेडी बना था, केवल मैंने 3D डिज़ाइन किया है। तो उन्हीं का यह मॉडल है जिसका एरिया शायद ये ग्रामीण एरिया है, और इसीलिए इन्होंने बहुत बड़ा साइज चूज किया है, जिसमें पूरा डिज़ाइन आज दिखाने वाला हूँ। फ्रंट की अगर बात करें तो ये है, और इसका ये आपका यहाँ पर ग्राउंड बहुत ही बड़ा मिलता है इंटरनल, और मेन डोर आपका जो है ये होने वाला है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल है और साइड टू साइड क्लोज्ड है। तो यही पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने 2D पहले से बनवा रखा था कहीं से, तो उसी को मैंने 3D में कन्वर्ट किया है। तो इसी पर प्लान पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसके ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है जो पूरा क्लियर आपको दिखता है। मेन डोर है, यहाँ पर आपका एंट्री होता है जो कि दो पिलर हैं। इसके बाद आप एंट्री करते तो आप बड़े से ग्राउंड में इंटर कर जाते हैं। इसके बाद जैसे आप इंटर करते हैं तो आपको देखिए ये मकान दो पोर्शन में देखने को मिलता है। एक के साइड में है ये पूरा हॉल इन्होंने रखा है, और जिसके लिए एंट्रेंस ये दिया है। इससे आप अंदर जाते हैं तो ये पूरे हॉल में एंट्री कर जाते हैं, जिसमें दो फ्रंट में आपको विंडो मिलते हैं और दो साइड में विंडो मिलता है। इनका साइड में भी ज़मीन होगा, इसीलिए इन्होंने विंडो साइड में भी रखा है। तो ये पूरा एक हॉल हो जाता है राइट हैंड साइड में। वहीं अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये एंट्रेंस है, दोनों तरफ विंडो है। आगे जाएंगे आपको तो एक बड़ा सा हॉल टाइप का यहाँ मिलता है। इसके जस्ट पीछे दो बेडरूम्स मिलते हैं। दोनों बेडरूम्स की अगर बात करें तो इधर भी इनका विंडो दिया हुआ है, तो वो मैंने लगा रखा है। सिर्फ पीछे इनका शायद क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पर विंडो वगैरह नहीं था इनके में प्लान में। तो ये दोनों बेडरूम्स आपको मिलते हैं, इसका दिया हॉल टाइप का मिलता है, और इधर एक बड़ा सा हॉल मिलता है। वहीं बात करें इधर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर की, तो यहाँ पर ये देखिएगा आपका पूरा डिज़ाइन यहाँ देखने को मिलता है। ये इनका शायद किचन है, ये लेट बाथ है, और ये देखिएगा यहाँ पर विंडो जो कि तीन साइड से दिया हुआ है, पीछे से, साइड से, और इस साइड की बात करें फ्रंट से, दोनों के अलग अलग डोर दिया हुआ है। तो ये एक एरिया इधर भी आपका एरिया इन्होंने को छोड़ा है, शायद इधर जाने के लिए साइड से जगह इन्होंने डोर देना चाहा होगा, तो इधर इनका एरिया पड़ा हुआ होगा। तो ये टू बेडरूम्स के साथ पड़ा हुआ है। अगर आपका ऐसा कोई प्लान है बड़ा सा, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। अच्छा डिज़ाइन है इनका, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेहतरीन से डिज़ाइन है। तो फर्स्ट फ्लोर में इनका इतना ही क्रिएट है, इनको इनका केवल फर्स्ट फ्लोर ही बनना था। और डोर की डिज़ाइन वगैरह आप देख लें, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक भी पता चल सके कैसे डोर बना हुआ है, पिलर वगैरह कैसे हैं, विंडो वगैरह आप देख सकते हैं। लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर ओपन का कुछ भी नहीं, चारों तरफ बाउंड्री है, और आगे छज्जा निकला हुआ है लगभग 2.5 से 3 फीट का, और उसमें मैंने ग्रिल का इस्तेमाल किया जो कि सिंपल सी ग्रिल है। ज़्यादा मैंने यहाँ पर कोई स्टील वगैरह का वर्क नहीं किया है, जिससे लो बजट रहे आपका वर्क, जो भी है कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ना इंक्रीज हो, इसलिए सिंपल सा प्लान है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैं चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ, जूम करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको बनवाने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इधर पीछे साइड तो आपका क्लोज्ड ही है, साइड में सिर्फ आपका ये फ्रंट का ये है, देखिए छज्जा निकला हुआ है। ओवरऑल जैसा आपका 2D प्लान में मेंशन था, उसी के अकॉर्डिंग ये प्लान क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्मार्ट हाउस प्लान को। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। अगर आप स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों विजिट करते हैं तो आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल होते हैं। तो जो भी मॉडल आप सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं बेहतरीन से मॉडल मिल सकते हैं आपको। तो आप एक बार स्मॉल हाउस प्लान को विजिट करें और बेहतरीन से मॉडल सिलेक्ट करके आप उसे बना सकते हैं। मैं दोस्तों पेड सर्विस भी चलाता हूँ, तो आप अगर हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमें व्हाट्सअप पर संपर्क करें। लेकिन ध्यान रहे, आपको वहाँ पर पेड सर्विस का ही यूज़ करना होगा, क्योंकि वहाँ पर 50% पेमेंट आपको एडवांस देना होता है, 50% बाद में देना होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई मॉडल नहीं क्रिएट किया जाता है। लेकिन पेमेंट आप तभी करें जब हमसे बात हो जाए, अन्यथा आप अन्य व्यक्ति किसी को भी पेमेंट ना करें। आपको किसी कहीं और से नंबर मिले, आप उनसे पेमेंट मत करें। जब मुझसे बात हो तभी आप पेमेंट करें, इसका विशेष ध्यान रखना है। चलो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।